गाइस मैं आपका हुड इन डियोड क्लैश ऑन लेजेंड स्वागत करता हूं अपने क्लैश ऑफ क्लैन के एक और अमेजिंग एपिसोड में। तो यार गाइस आज की वीडियो में मैं आपको क्लैश ऑफ क्लैन के फर्स्ट प्लेयर से मिलवाने वाला हूं। मतलब जब ये क्लैश ऑफ क्लैन गेम लॉन्च हुई थी तब सबसे पहला बंदा कौन था जो ये गेम खेला था उसके बारे में आपको मैं इस वाली वीडियो में इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो आप में से अगर कोई भी हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो जल्दी से जल्दी चैनल को जाकर सब्सक्राइब करो और बाजू वाला बेल आइकन दबाओ, क्योंकि आपको इसी तरह क्लैश ऑफ क्लैंस से रिलेटेड ऐसी अमेजिंग वीडियोस हमारे चैनल पर देखने को मिल जाती है। तो चलिए दोस्तों बिना कोई देरी के शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। तो गाइस बिना किसी देरी के मैं आपको सीधा उस प्लेयर से मिलवा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जाकर सोशल पर जाकर या सर्च प्लेयर पर जाकर उस प्लेयर का टैग मेरे पास है उसे सर्च करूँगा, PYRCYL ये है उस प्लेयर का टैग है, उसे मैंने सर्च किया और आप यहाँ पर देख सकते हो इस प्लेयर का नाम है स्टीवन Z19। वैसे बंदा क्लैन लेवल 9 में है और बंदा बहुत ज़्यादा एक्टिव भी है, टाउन हॉल 9 है उसका। और मैं करता हूँ उसके बेस को विजिट। तो टाउन हॉल 9 का जो फुल्ली मैक्सड आउट बेस है इसका, तो ये पहला बंदा मुझे क्यों लगता है उसके बारे में आपको अभी मैं बताता हूँ। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके पास इतनी सारी डेकोरेशन की चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको, ये जो ये स्टोन है ना ये क्लैश ऑफ क्लैन में बहुत टाइम पहले था, बहुत टाइम, अभी तो ये बहुत ज़्यादा रेयर है, किसी के पास भी नहीं है, मेरे पास, मेरा पता तो मेरे पास खुद भी नहीं है, लेकिन इसके पास इतना रेयर स्टोन आया कहाँ से, ये बहुत 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 ज़्यादा रेयर है, काफ़ी मतलब बहुत साल पहले क्लैश ऑफ क्लैन में था, अभी ये नहीं है और इसके पास ये स्टोन है। और ये जो फिफ्थ एनिवर्सरी के ये भी इसके पास है, यहाँ पर ये स्केरी पम्पकिन ये भी बहुत रेयर, ये भी इसके पास है। और ये एक्सपर्स ट्री तो होगा शायद से बहुत लोगों के पास, लेकिन ये भी है, फॉर्चून ट्री तो है बहुत लोगों के पास, लेकिन ये जो एक्समस ट्री है ये भी बहुत ज़्यादा रेयर है, ये बहुत लोगों के पास नहीं है। और ये आप हेलोविन कोल्ड्रॉन देख रहे, ये भी उसके किसी के पास भी नहीं है। बहुत सारे ऐसे इसके पास डेकोरेशन की चीज़ें हैं आप देख सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा रेयर है। ये तो स्टोन मैंने आपको दिखाया ना, ये बहुत 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 ज़्यादा रेयर है, ये मतलब काफ़ी टाइम पहले था, लगभग 7-8 साल पहले था क्लैश ऑफ क्लैन में जब ये गेम रिलीज़ हुई थी तब ये था, लेकिन अभी तक इसके पास ये है। मतलब कि जिनके जिनके टाउन हॉल 13 है या उससे ज़्यादा उनके पास ये नहीं है, लेकिन इस बंदे को देखो टाउन हॉल 9 है इसका, उसके पास है। मतलब आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बंदा कब से क्लैश ऑफ क्लैन खेल रहा होगा, हालांकि उसका टाउन ऑनलाइन है, लेकिन आप किसकी डेको, ये जो स्टोन की है आप, मैंने आपको दिखा दी, ये जो स्टोन आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बंदा कितना पुराना होगा क्लैश ऑफ क्लैन में, आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये तो स्टोन बहुत ज़्यादा रेयर है, बहुत लोगों के पास नहीं था, और क्लैश ऑफ क्लैन जब पहले लॉन्च हुई थी तो शायद से यही कुछ ऑब्स्टेकल था क्लैश ऑफ क्लैन में, ये ऑब्स्टेकल उन्होंने पहले बनाया था। तो जैसे कि जैसे उनका विलेज मैक्स होता जाता है तो वो ऑब्स्टेकल निकाल देते हैं, जैसे कि मैंने निकाले हैं, लेकिन इसने ये स्टोन संभाल कर रखा है। और मुझे लगता है कि शायद से ये बंदा काफ़ी टाइम पहले से क्लैश ऑफ क्लैन खेलता है और इसीलिए इसके पास इतने सारे पुराने डेकोरेटिव चीज़ें। तो मुझे तो लगता है ये बंदा फर्स्ट प्लेयर तो नहीं, लेकिन बहुत पहले से क्लैश ऑफ क्लैन खेलता है। फर्स्ट प्लेयर तो नहीं है पर पहले से क्लैश ऑफ क्लैन खेलता है, इतना मैं ज़रूर बता सकता हूँ। लेकिन ये भी हो सकता है कि ये फर्स्ट प्लेयर हो क्लैश ऑफ क्लैन का, ऐसा नहीं हो नहीं सकता, लेकिन ज़रूर होगा मुझे लगता है, मैं 100% कंफर्म नहीं हूँ लेकिन होगा। लेकिन हो भी नहीं सकता, कुछ बता नहीं सकते। तो यार गाइज आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और आपकी राय इस बारे में क्या है वो भी मुझे बता देना। तो यार गाइज आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और वीडियो पसंद है तो वीडियो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू वाला बेल आइकन दबाना ना भूलना, क्योंकि आपको इसी तरह क्लैश ऑफ क्लैंस से रिलेटेड ऐसी अमेजिंग वीडियोस हमारे चैनल पर देखने को मिल जाती है। तो चलिए दोस्तों मैं मिलूंगा आपको ऐसे अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए क्लैश ऑन लेजेंड।